हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में हम रेजिडेंशियल स्टेटस की कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, बिकॉज आप इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उसके बेस पे आप रेजिडेंशियल स्टेटस की तमाम सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी बुक्स में गिवन है वो आप सॉल्व इजीली, बहुत इजीली कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें आप एक बेसिक समझोगे कि किस तरीके से इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको मैंने बताया था रेजिडेंशियल स्टेटस की पहली वीडियोस में भी कि पूरा जो ये रेजिडेंशियल स्टेटस है ये सिर्फ चार कंडीशंस के इर्द गिर्द घूमता है। वही चार कंडीशन, दो बेसिक और दो एडिशनल, उसी के बेस पे आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और बहुत सिंपल तरीके से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी जिसमें आप सभी इनकम टैक्स की वीडियोस वॉच कर पाएंगे सीरियल वाइज अकॉर्डिंग योर टॉपिक। जस्ट आपको प्लेलिस्ट देखना है, मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन आप देख सकते हैं, मिस्टर डी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया। मिस्टर डी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, कि मिस्टर डी जो है वो उसका जन्म भी इंडिया में हुआ और उसका जो पालन पोषण है वो भी इंडिया में हुआ। तो ही हैज़ टू ट्रेवल टू वेरियस लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट फॉर बिजनेस पर्पसेस। लेकिन मिस्टर डी को बिजनेस करने के लिए बहुत सारी जगहों पर, कंट्रीज में जाना होता है, मतलब इंडिया से बाहर जाना होता है, अलग अलग जगहों पे जाना होता है। अब क्वेश्चन में बोला कि ही हैज़ स्पेंट 200 डेज ट्रेवलिंग इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, कि अब जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि जिसका हमको असेसमेंट करना है, यानी कि जिस ईयर की इनकम के ऊपर असेसी ने टैक्स भरना है, मिस्टर डी ने टैक्स भरना है, वो करंट फाइनेंशियल ईयर। ऑलराइट, तो उस करंट फाइनेंशियल ईयर में जो मिस्टर डी है वो 200 दिन उसने ट्रैवलिंग करा, ट्रैवलिंग मतलब वो बाहर रहा, इंडिया से बाहर रहा। ऑल्सो ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग अब्रॉड फ्रॉम दी past 2 years and has stayed out India for about 400 days in this period. इन्होंने बोला कि पिछले दो सालों से वो बाहर out of India travel कर रहा है और पिछले दो सालों में कम से कम 400 दिन, पिछले दो सालों में कम से कम 400 दिन वो इंडिया से बाहर रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए मिस्टर डी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है। ऑलराइट, तो अब देखो, हम जानते हैं कि दो हमारी बेसिक कंडीशन होती है, राइट? दो हमारी क्या होती है? बेसिक कंडीशन होती है। अभी हम बेसिक कंडीशन की बात करेंगे, एडिशनल कंडीशन पे हम जा ही नहीं रहे, ठीक है? सिर्फ बेसिक कंडीशन जो हमारी एक थी 182 डेज़ वाली, यानी कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ वो इंडिया में स्टे करना चाहिए। और दूसरी हमारी क्या कंडीशन थी? दूसरी हमारी कंडीशन थी कि पिछले चार सालों में एटलीस्ट 365 दिन उसका स्टे इंडिया में होना चाहिए और करंट फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट मिनिमम 60 डेज़ का होना चाहिए, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो अब देखो, बात हो रही है बेसिक कंडीशन की, ठीक है? बात हो रही है बेसिक कंडीशन की। तो अगर मैं बात करूं कि अगर असेसी दोनों बेसिक कंडीशंस में से एक को भी फुलफ़िल कर दे, यानी कि एक भी कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो जाए, तो वो रेजिडेंट बन जाता है, वो रेजिडेंट बन जाता है। बट रेजिडेंट तो बन जाता है, लेकिन ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट बनता है या नॉट ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट बनता है, इसके लिए हमको एडिशनल कंडीशन की तरफ जाना होता है। तो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या मिस्टर डी ने दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई किया या नहीं किया, पहले इसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। तो कंडीशन वन क्या है? कंडीशन वन है कि मिनिमम 182 डेज़ का स्टे होना चाहिए। तो मिनिमम 182 डेज़ का
स्टे जो है वो है ही नहीं, नॉट सेटिस्फाइड. क्यों क्यों नहीं है? टू फिगर आउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर डी, यू विल अंडरस्टैंड दैट ही हैज ओनली स्पेंट 165 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर. कैसे? क्वेश्चन की तरफ चलो और देखो कैसे. साफ साफ उन्होंने बोला कि 200 दिन करंट फाइनेंशियल ईयर में 200 दिन उसने ट्रैवलिंग करा, यानी कि बाहर रहा वो. तो एक साल में हमारे होते हैं 365 दिन, 365 दिन में से 200 दिन तो वो चला ही गया, बाहर ही रहा, तो बचे कितने? 165. तो 182 डेज वाली कंडीशन तो फुलफिल हुई ही नहीं, यानी कि पहली बेसिक कंडीशन उसकी सेटिस्फाई नहीं हुई. अब हम चलते हैं दूसरी बेसिक कंडीशन, देखते हैं कि क्या दूसरी वाली बेसिक कंडीशन को मिस्टर डी ने सेटिस्फाई किया. ऑल राइट, तो अब देखते हैं जो मैंने आपको बताया. दूसरी वाली बेसिक कंडीशन क्या है कि कम से कम मिनिमम 365 दिन उसको रहना पड़ेगा चार सालों में, पिछले चार सालों में, जिसमें हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर भी इंक्लूड है. करंट फाइनेंशियल ईयर लेट सपोज आपका है 2022 से 23, ठीक है, जिसकी आप इनकम कैलकुलेट करोगे 23-24 में. अगर 2022 से 23 आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है तो इसको भी मिला के चार साल हमें कंप्लीट करने हैं. मान लो ये हमारा फोर्थ ईयर है, थर्ड ईयर हमारा हो गया 2021 से 22, है ना, और सेकंड ईयर हमारा हो गया ऐसे ही 20 से 21, 19 से 20, है ना, ये चार साल की बात हो रही है. तो अगर ये चार सालों में कम से कम उसका जो स्टे है वो 365 दिन होना चाहिए, और करंट वाले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 22 से 23 वाले जो हम बात कर रहे हैं उसमें उसका कम से कम मिनिमम इसमें से 60 दिन होना जरूरी है, 60 डेज होना जरूरी है. तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये पिछले चार सालों में 365 दिन रहा. तो अब देखो, करंट वाले फाइनेंशियल ईयर में वो 200 दिन ट्रैवलिंग करा बट 165 दिन तो रहा, तो यानी कि करंट वाले फाइनेंशियल ईयर से हमें 60 दिन चाहिए थे इसके इंडिया में, वो तो इसने सेटिस्फाई कर दिए, ठीक है. लेकिन बात आती है 365 दिन की, 365 में से 60 तो चला ही गया, अब बचे 305 दिन. क्या 305 दिन ये पिछले चार सालों में रहा इंडिया में? तो अब देखो इसको हम कैसे फिगर आउट करेंगे, ठीक है. इन्होंने बोला कि मिस्टर डी जो है वो पिछले दो सालों से ट्रैवलिंग कर रहा है, यानी कि इसने तो हमें सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दी कि सिर्फ दो सालों से ही ट्रैवल कर रहा है, बट हमें तो चार सालों का देखना है रिकॉर्ड. तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पिछले दो साल से ही ट्रैवल कर रहा है, उससे पहले ये इंडिया में ही होगा क्योंकि इसका बॉर्न एंड ब्रॉटअप इंडिया में हुआ है, ये इंडिया में ही रह रहा होगा. तो हम मान के चल रहे हैं कि सिर्फ दो साल ही इसने ट्रैवलिंग किया, अदरवाइज ये इंडिया में ही रहा होगा. सो दैट इज़ वाई इसकी जो सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है. देखो क्या गिवन है कि हाउ एवर इट इज़ गिवन दैट मिस्टर डी हैज़ बीन ट्रैवलिंग ओनली फ्रॉम द पास्ट टू ईयर, जो मैंने आपको बताया कि वो तो सिर्फ पास्ट के दो सालों में से ही ट्रैवलिंग कर रहा है, अदरवाइज तो उसने ट्रैवलिंग करा ही नहीं, राइट. तो पास्ट फोर ईयर्स की देखें तो कम से कम ये 1061 दिन तो रहा ही है ना. तो इस हिसाब से इसकी जो सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है. तो अगर इसकी सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो इसका मतलब ये क्या है? रेजिडेंट है. अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो रेजिडेंट तो है लेकिन क्या ये ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है या फिर ये नॉट ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है? ठीक है, हमने मान लिया कि दिस इज आर रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये डिटरमाइन करना होगा. तो उसके लिए हम लोग चलते हैं रेजिडेंट. देखो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम फिर जाते हैं एडिशनल कंडीशन को चेक करने, ठीक है. क्या चेक करने? एडिशनल कंडीशन को. एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी है? दीज आर दी टू एडिशनल कंडीशंस, दीज आर दी टू एडिशनल कंडीशन. पहली क्या है कि मिस्टर डी को कम से कम पिछले 10 सालों में से एटलीस्ट 2 साल इंडिया में ही रहना पड़ेगा. पहली एडिशनल कंडीशन ये है. दूसरी वाली एडिशनल कंडीशन क्या है कि पिछले 7 सालों में कम से कम उसका 730 दिन इंडिया में ही स्टे होना चाहिए. तो ये दो हमारी एडिशनल कंडीशन है.
तो अगर ये दो हमारी एडिशनल कंडीशन है तो इन दोनों का ही सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है अगर आप उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में रख रहे हो। ठीक है, ROR की कैटेगरी में रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखो OR किस केस में होता है, ROR यानी कि रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होता है, जब दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल हों। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला कि कंसीडरिंग द एग्जांपल मिस्टर डी वाज ट्रैवलिंग आउट इंडिया सिंस पास्ट 2 ईयर्स ओनली एज द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई, मतलब पहली एडिशनल कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, एज ही रिसाइडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स। ऑल्सो जो सेकेंड वाली एडिशनल कंडीशन है वो भी फुलफिल हो जाती है कि भाई ये तो सिर्फ 2 सालों से ही घूम रहा था ना बाहर, 2 साल से पहले वाले सालों में तो ये इंडिया में ही रहा, तो 730 दिन वाली पिछले 7 सालों में ऑब्वियसली 730 दिन तो ये रहा ही होगा 7 साल, क्योंकि ये तो लास्ट के 2 ईयर से घूम रहा है बाहर, उससे पहले तो इंडिया में ही था। तो दोनों एडिशनल कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे ROR का देंगे। ROR मतलब रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का इसको कैटेगरी मिलेगा। ऑलराइट, ऐसे ही अगर हम बात करें नॉट ऑर्डिनरी की, आप किसी को RNOR का स्टेटस कब देते हो, आप किसी को कब कहते हो कि वो रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है, आप इसको तब बोलते हो जब आपकी बेसिक कंडीशन तो चलो एक फुलफिल हो रही है लेकिन एडिशनल में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल ना हुई तो वो RNOR की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये दो कंडीशन थी ना हमारी, इसको ध्यान से समझना, ये भूल जाते हैं बच्चे, ध्यान से समझना, हमारी दो कैटेगरी होती है, एक होती है ROR एक होती है RNOR। ठीक है, हमें इतना तो पता चल गया कि उसने एक बेसिक कंडीशन पूरी करी, वो ऑर्डिनरी मतलब वो रेजिडेंट तो है, बट क्या वो ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम ये दो एडिशनल कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो ROR है यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, बट अगर दोनों में से किसी एक कंडीशन फुलफिल होती है लेकिन एक नहीं होती तो वो आ जाता है RNOR की कैटेगरी में। ऐसे ही मान लो दोनों ही एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो भी वो RNOR की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसने एक बेसिक कंडीशन तो एटलीस्ट फुलफिल करी है बट दोनों एडिशनल कंडीशन उसने फुलफिल नहीं करी। तो मिस्टर डी का यहाँ पे स्टेटस था RNOR का। ऑलराइट, अगर मैं बात करूँ आप नॉन रेजिडेंट्स का स्टेटस कैसे डिटरमाइन करोगे, मतलब कि भाई हमारी तीन रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं ना, एक तो होता है ROR रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट, एक होता है RNOR रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का मतलब ही सीधा सीधा ये होता है कि उसने एक भी बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। एडिशनल कंडीशन की तरफ तो हम देखेंगे भी नहीं इस केस में, जैसे ही समझ लो क्वेश्चन में दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, यानी कि एक 182 डेज वाली और लास्ट 4 ईयर्स में 365 दिन और करंट फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन वाली जो बेसिक कंडीशन है, दोनों में से अगर एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, समझ जाओ वो नॉन रेजिडेंट का केस है। ऑलराइट, ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।